हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर एंड एनिमल विषय कतीक। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग फिश में दिलचस्पी रखते हैं, जो लोग एक्वेरियम्स टैंक सेटअप करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी उनके घरों में हैं, मगर दिक्कत ये हो रही है कि वो उसमें डेकोरेट कैसे करें, क्या क्या चीज़, क्या वैरायटी उसमें यूज़ करें। बहुत सारी दिक्कत आती है। जब मैं भी एक्वेरियम घर पे रखता था तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि उस एक्वेरियम को डेकोरेट कैसे किया जाए, क्या सेरेमिक प्रोडक्ट यूज़ किए जाए, क्या उसमें बॉन्साई यूज़ किया जाए, क्या प्लांट्स यूज़ किया जाए, क्या पेबल्स उसमें यूज़ किया जाए, ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो जो लोग अगर कन्फ्यूजन फेस कर रहे हैं या जो लोग एक एक्वेरियम अपने घर पर सेटअप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखें, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैं आज आप लोगों को एक शॉप से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो पिराना एक्वेटिक्स नाम है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इनका वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को दिखाते हैं। वेलकम टू द चैनल ऑफ पिराना एक्वाटिक्स। वी आर द फर्स्ट ऑनलाइन सप्लायर्स ऑफ एक्वास्केपिंग प्रोडक्ट्स इन इंडिया। यू कैन गेट अस ओवर फेसबुक एज वेल एज ऑन अवर वेबसाइट विच इज रिटन बिलो www.piranaaquatics.co.in or else you can just order through YouTube. The link has been provided below and the rest demonstrations would be coming right away. Thank you. दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक पर्सन से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो पिराना एक्वेटिक शॉप के ओनर हैं। वो आप लोग को बेहतर गाइड करेंगे कि कैसे आप अपना टैंक्स या एक्वेरियम सेटअप कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट आपको रिक्वायरमेंट होंगे, वो सारे इन्फॉर्मेशन, वो सारे चीज आपको गाइड करेंगे। वेलकम गाइस, दिस वुड बी द बिगेस्ट बॉन्साई व्हिच इज वेरी सूटेबल फॉर अ वेरी बिग एक्वेरियम व्हिच अ पर्सन कैन डू अ प्लांटेड सेटअप विद। द हाइट ऑफ द बॉन्साई वुड बी 2 feet, दिस वन, and the length from sidewise would be 2.5 feet, the width from below would be 18 inches. This is suitable for a 4 feet aquarium, and the second bonsai which I'm going to demonstrate is a medium and a smaller one, but that one is a very cute one which I want to show you guys. This one would be the bonsai which looks like a banyan tree. This one is also from our production. This one can be used in a 2.5 feeter or a 2 feet aquarium. Which can be covered with moss all around, and this would only give a proper aquarium look when it's properly aquascaped. Pirana Aquatics, जैसे मैंने इसे follow किया, मुझे काफी helpful लगा, क्योंकि एक ऐसी shop जहाँ variety of products available है, काफी cheap rate पर। दोस्तों, जैसे आपने वीडियो में देखा कि काफी सारे बॉन्साई, वैरायटी ऑफ बॉन्साई अवेलेबल है, काफी चीप एंड अवेलेबल रेट्स पर। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हूँ और स्क्रीन में भी जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, आप वहां से भी उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। This would be one of the shapes which we produce. The length of this chiclet cave from this part till this part, it would be till 7 inches. From here till here, it would be approximately 4.5 inches. The cave, the hole for the fishes to enter, this would be approximately around 2 to 2.5 inches. This would be the first type of shape which we give. दोस्तों, अगर आप भी एक खूबसूरत टैंक या एक्वेरियम सेटअप करना चाहते हैं तो दिए हुए इन्फॉर्मेशन पे कॉन्टैक्ट करें। पिराना एक्वेटिक्स शॉप का नाम है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय फॉर नाउ।